नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन जॉब लाइन पर। और दोस्तों, आज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2018 को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ गई है। दोस्तों, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 को लेकर दैनिक भास्कर की बड़ी खबर पर चलने से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी का आइकन को आप जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये आज के दैनिक भास्कर की ऑफिशियल न्यूज़ है कि विभिन्न विभाग 10 जुलाई से पहले पदों का नया वर्गीकरण आरपीएससी को भेजेंगे और पदों का वर्गीकरण मिलने के बाद ही आयोग रुके हुए परिणाम जारी करेगा और आगामी परीक्षाओं के आयोजन को लेकर करेगा निर्णय। फिर नीचे दिया हुआ है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के विभिन्न AEN व प्रधानाध्यापक समेत विभिन्न भर्तियों के रुके हुए परिणाम और आगामी दिनों में आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं के आयोजन के बारे में निर्णय विभिन्न विभागों से पदों का नया वर्गीकरण मिलने के बाद ही हो सकेगा। और वहीं MBC और EWS आरक्षण को लेकर आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के संबंध में गुरुवार को जयपुर में कार्मिक विभाग में CS DB गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को 10 जुलाई से नया वर्गीकरण आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। और जयपुर में हुई इस बैठक में आयोग सचिव KK शर्मा ने भाग लिया और शर्मा ने आयोग द्वारा आयोजित की जा चुकी परीक्षाओं यथा प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2018, AEN परीक्षा 2018 और वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड परीक्षा 2018 और वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड संस्कृत शिक्षा परीक्षा 2018 और SI भर्ती परीक्षा आदि के बारे में जानकारी दी। आयोग द्वारा इन परीक्षाओं का आयोजन किया जा चुका है लेकिन आरक्षण के चलते अब तक इनका परिणाम जारी नहीं किया गया था। इधर स्कूल लेक्चर प्रतियोगी परीक्षा 2018 और वन विभाग में ACF और फॉरेस्ट रेंज प्रथम ग्रेड परीक्षा 2018 समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किए जाने हैं, इनकी अभ्यर्थना लौटाई हुई है। और आयोग सचिव KK शर्मा ने यह भी जानकारी दी कि कॉलेज लेक्चरर प्रतियोगी परीक्षा 2018 और मेडिकल शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए मिली अभ्यर्थना आयोग ने आरक्षण के हिसाब से पदों का नया वर्गीकरण भेजने के लिए वापस लौटाई हुई है। आगे देखें आप कि 10 से पहले मिल जाएगा नया वर्गीकरण और CS DB गुप्ता ने शिक्षा विभाग समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 10 जुलाई से पूर्व वो EWS और MBC पदों को शामिल करते हुए आयोग को नया वर्गीकरण भेजा जाए। आयोग के सूत्रों का कहना है कि जैसे ही पदों का नया वर्गीकरण आयोग को मिलेगा, परिणाम जारी करने और आगामी भर्तियों के आयोजन को लेकर निर्णय हो सकेगा। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल तो यह बात साफ हो रही है कि जब RPSC को नए पदों का वर्गीकरण मिलेगा तब वह आने वाली परीक्षाओं के बारे में निर्णय करेगी। बाकी दोस्तों, आज RPSC में फुल कमीशन की बैठक है, उसके बाद देखो क्या निर्णय होता है और कल शाम तक आपके प्रेस नोट जारी हो जाएगा। परीक्षा आपके फर्स्ट ग्रेड 2018 स्थगित होगी, इसमें कोई संशय बाकी नहीं है क्योंकि जब फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2018 के लिए नए आवेदन पत्र भरवाए जाएंगे तो एग्जाम डेट आगे खिसकना निश्चित है।